आपका मूड कैसा है आज? कैसा है भाई और बहनों? ये जो लड़ाई चल रही है चुनाव 2024, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को, जो भी दिया है इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, हर नेता से कहना चाहता हूं, बीजेपी छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति इस किताब को नहीं छू सकती है। इसको अगर आपने फाड़ने की कोशिश की तो फिर देखना देश आपके साथ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या करती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया कि अगर हम जीतेंगे हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन का औजार दिया था, हथियार दिया था, उस हथियार को, उस औजार को भी ये छीनना चाहते हैं। पूरे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने पूंजीपतियों को बेच दिया, सारा का सारा काम इन्होंने 22 अरब पतियों के लिए किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है। आप सोचिए, जनता को कुछ नहीं दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं किया, स्टूडेंट्स का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को लोन दिया ही नहीं, माफ करना छोड़ो, और सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने माफ कर दिया। भाइयों और बहनों, आपको कोने में बैठा दिया है, आप पर इतना बोझ है हिंदुस्तान के गरीब जनता के कंधों पर, किसानों के कंधों पर, जहां भी आप जाते हो, घर से बाहर निकलते हो बोझ उठा के चलते हो, अस्पताल जाते हो बोझ उठा के जाते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि सरकार आपकी रक्षा नहीं करती, 22-25 लोगों के लिए काम करती है। मुझे मालूम नहीं कि यह बात आपको मालूम या नहीं, हिंदुस्तान में 50% तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग हैं।
मगर देश में इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। आपने देखा होगा टीवी पे मीडिया आपको अंबानी की शादी दिखा देती है, मोदी का 24 घंटा वीडियो दिखाएंगे, मगर किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, उनकी आवाज आपको मीडिया पे कभी नहीं सुनाई देगी। किसान मर जाए किसान, आत्महत्या कर ले, जहर पी ले, मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, मीडिया में आपका कोई है ही नहीं, मीडिया में कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिल सकता, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 2-3% लोगों ने मीडिया का ठेका ले रखा है, जनता की आवाज कभी नहीं उठाते, क्योंकि ये आपके नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अदानी के हैं और उनका काम ये करते हैं। इसीलिए 24 घंटा या उनकी शादियां दिखेंगी या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। मीडिया में भागीदारी नहीं है। हिंदुस्तान के सारी की सारी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इनकी लिस्ट निकालो, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा और एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। जैसे मीडिया में 2-3% लोगों ने ठेका ले रखा है, वैसे कॉरपोरेट इंडिया भी 2-3-5-10% लोगों का है। आपकी जमीन ले जाते हैं, जीएसटी में आप पैसा देते हो, इनके बैंक लोन माफ हो जाते हैं, इनको जमीन मिल जाती है, जल मिल जाता है, जंगल मिल जाता है और आप देखते ही रह जाते हो। चलिए मीडिया को छोड़िए, कॉरपोरेट इंडिया को छोड़िए, सरकार की बात करता हूं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 आईएएस अफसर है, 90 अफसरों में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, 1 अफसर आदिवासी है, 90 में से 3 दलित हैं। और अगर आप इन सबको जोड़ लो, हिंदुस्तान के बजट में से अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये 90% वाले अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, आप कहीं के नहीं हो, कहीं के नहीं हो, देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटी को कोई भागीदारी नहीं है। आप सिर्फ अपने जेब से जीएसटी का पैसा देते हो, उसके बाद आपका पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, 2-3% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बदलना है भाइयों और बहनों। पहला कदम, क्रांतिकारी कदम, हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया, जाति जनगणना, जिससे हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी आबादी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी देश में कितनी है। पता लग जाएगा कि मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, सरकारों में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं, सारा का सारा पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद क्रांतिकारी राजनीति, जनता की राजनीति शुरू हो जाएगी। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना के बारे में मीडिया में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि
क्योंकि ये गरीबों का हथियार है, ये पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हथियार है, ये राजनीति को बदलने का हथियार है। इसलिए अदानी के मीडिया में, मोदी की मीडिया में ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे। ये है जाति जनगणना। अब मजे की बात सुनिए, और जब मैं ये बोलूंगा आप देखना इस भीड़ में कैसे ताली बजेगी, कितनी खुशी होगी जनता को। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना भी नहीं देख सकते कि कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करने जा रही है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए, उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए। अब हमने निर्णय ले लिया है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये देखो, आपने ताली बजाई, दबा के ताली बजाई। आज शाम को आप मीडिया देखना, ना ये भाषण दिखेगा ना ये ताली सुनाई देगी। मीडिया आपका नहीं है भाइयों और बहनों, अदानी का है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीरों को फायदा होता है, अदानी को एयरपोर्ट मिलता है, अदानी को सड़क मिलती है, अदानी को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा लागू होता है। ये कहते हैं देखो 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 गरीबों को बिगाड़ रहे हैं, तो हम लाखपति बनाएंगे, और एक नहीं 10 नहीं करोड़ों लाखपति बनाएंगे। भाई और बहनों, 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसके एकदम बाद ड्रामा होगा देखना, उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी, और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अभी ठहर जाओ भाई, अभी तो मैंने बात बोली नहीं, आप पहले ही ताली बजा रहे हो। अब मैंने ये बोला नहीं उन महिला को क्या दिया जाएगा। अब सुनो, महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है, नाम क्या है आपका, हां जो पीली, हां आपका नाम क्या है, हां सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी ओडिशा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों